नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord 2 versus Vivo IQ Z3 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nord 2 में 6.26 इंच जबकि IQ Z3 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Nord 2 में 2.89 इंच जबकि IQ Z3 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Nord 2 में 0.32 इंच जबकि IQ Z3 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Nord 2 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Nord 2 में 189 ग्राम्स जबकि IQ Z3 में 185.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Nord 2 में फ्लूइड AMOLED जबकि IQ Z3 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Nord 2 में 6.43 इंचेस जबकि IQ Z3 में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Nord 2 में 1080x2400 और IQ Z3 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Nord 2 में 85.59% जबकि IQ Z3 में 84.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Nord 2 में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि IQ Z3 में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Nord 2 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और IQ Z3 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Nord 2 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और IQ Z3 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Nord 2 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और IQ Z3 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Nord 2 में माली G77MC9 जबकि IQ Z3 में Adreno 620 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Nord 2 में MediaTek Dimensity 1200MT6893 और IQ Z3 में Qualcomm Snapdragon 768G मिलता है। बात करें RAM की तो Nord 2 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB 12GB की RAM मिलती है जबकि IQ Z3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Nord 2 में नहीं है जबकि IQ Z3 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Nord 2 में 4500 mAh जबकि IQ Z3 में 4400 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Nord 2 में 3 कलर्स जबकि IQ Z3 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Nord 2 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीज़
12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 34,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iQOO Z3 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 20,990 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 22,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो OnePlus Nord 2 में 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo iQOO Z3 की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Nord 2 आगे है, मेन कैमरा में iQOO Z3 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Nord 2 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9R है, जो कि 39,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme X7 Max है, जो कि 24,999 रुपए में मिलता है। तीसरा OnePlus Nord CE 5G है, जो कि 22,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT Master Edition 5G है, जो कि 27,480 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।